भागवत शब्द में चार अक्षर है भागवत, और ये चारों अक्षर जो है ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व व से वैराग्य, त त से तत्व, यानी भागवत भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है और तत्व के यानी भगवान के दर्शन कराती है। ये श्रीमद् भागवत है। भक्ति भागवत का पहला और प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे अन्य पुराण है, हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं? कितने पुराण हैं? 18। श्रीमद् भागवत 18वां महापुराण कहा गया है। तो और जो पुराण है 17, उन 17 पुराणों में किसी में वैराग्य प्रधान है, किसी में सिद्धि प्रधान है, किसी में दूसरा साधन प्रधान है, पर भागवत जी में क्या प्रधान है? भागवत जी में सबसे प्रमुख क्या है? तो कहा भक्ति। भागवत सुना, ज्ञान भी आ गया, 18,000 श्लोक रट लिए, पर भक्ति नहीं आई तो वो रटना बेकार है। हमारे गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, भागवत पर पीएचडी कर रहा था, तो आया बोला मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम में एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या था? बोले भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है? भागवत पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ी वो जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है, है भी तो सांकेतिक रूप में, संकेत के रूप में, श्री राधिता, ये एक बस संकेत मात्र है। तो गुरुजी ने कहा क्या उत्तर दिया तूने? बोला मैंने उत्तर दिया, दो भाव लिखे मैंने, कि एक तो ये भाव था कि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, भागवत जी पहली बार सुखदेव जी ने राधा रानी से ही सुनी थी तो गुरु हो ही, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, एक भाव ये है। और दूसरा भाव ये है कि राधा नाम इतना मधुर, इतना मीठा है कि सुखदेव जी को लगा एक बार अगर हम राधा बोल देंगे तो हमारे आँख बंद और समाधि लग जाएगी। और ये बेचारा राजा, ये तो 7 दिन, इसमें 7वें दिन मरने वाला है, तक्षक डसने वाला है, तो इसको तो 7 दिन में कथा सुनानी है। तो इसलिए सुखदेव जी ने रोका अपने आप को, जहाँ जहाँ थोड़ा नाम आने वाला था तो पकड़ के अपने आप को रोके, नहीं फिर तू कथा नहीं सुना पाएगा। ये भाव लिखा, गुरु जी बोले बिल्कुल सही लिखा। मतलब फिर मैं पास क्यों नहीं हुआ? अगर मैं पास हो जाता तो बढ़िया नौकरी लग जाती और बढ़िया मेरी तनख्वाह हो जाती, बाकी मैंने भागवत को कंठस्थ कर रखा है। तो गुरु जी ने कहा कि तूने जो उत्तर लिखा ये भी सही था, तूने भागवत कंठस्थ कर रखी ये भी सही था, पर ये जो तेरा भाव था ना कि तुझे किस लिए पास होना था, बोले तनख्वाह अच्छी मिल जाती, ये भाव ने तुझे डुबा दिया। श्रीमद् भागवत कंठ में तो उतारी तूने, 18,000 श्लोक यहां गले तक तो उतर गए, पर अगर उस 18,000 श्लोक में से एक श्लोक भी गले से अगर नीचे यहां उतर जाता ना हृदय में तो तू पास हो जाता। कमी यही है, कंठ तक तो सबके उतरा हुआ है। कल परसों हमने गाया था मधुराष्टकम, अब ये कंठ तक उतरा इसलिए गा रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम गलितम मधुरम वेणु मधुरा गोपी मधुर। अब जिस दिन ये यहाँ उतर गया ना तो अधरम मधुरम कहते ही मन ठाकुर जी के अधरों पे अटक जाएगा, फिर आगे शब्द ही नहीं निकलेंगे। अभी तो क्या हम हनुमान चालीसा, कुछ लोग तो हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते जैसे इनको ट्रेन निकली जा रही हो, ऐसे भागते हैं सीधा, महाराज पूछो नहीं, क्योंकि रटा हुआ है। कंठ में उतरना और हृदय में उतरना बहुत अलग बात होती है। तो आज हम यहाँ भागवत जी के 7वें दिन में आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है,
महत्वपूर्ण दिन तो सारी, पर आज इसलिए विशेष है कि यहां से आज किसी को भी खाली हाथ नहीं उठना है, कोई भी यहां से खाली नहीं जाएगा। क्या लेके जाएंगे? वो प्रसाद तो 7 दिन से पा ही रहे हैं, लेकिन देखो भागवत जी का प्रसाद, ये लड्डू जलेबी रबड़ी रसगुल्ला ये नहीं है, ये तो हमारे शरीर में एक आध दो दिन तक ही रहेगा इसकी शक्ति इसकी ऊर्जा। लेकिन भागवत का अगर एक सूत्र भी हमारे हृदय में उतर गया तो संपूर्ण जीवन हमारे साथ चलेगा, सदा हमारे साथ चलने वाला। एक सूत्र, एक नियम भी अगर भागवत जी से कोई ले लेता अपने हृदय में, नियम में बड़ी शक्ति होती है।